हमने जैसे भी लास्ट टाइम हमारा था डिस्कशन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो डियर चिल्ड्रन, आइए एक बार फिर से बेटे इमेजिन कर लें कि हमारे पास बेटे जो है लेट बेटा स्मॉल क्यू जो है इट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। जिस पार्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस पार्टिकल को आपने अपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की बात करनी है, उस पे चार्ज हमने बेटे क्यू इमेजिन किया। एंड बेटे लेट अस इमेजिन दैट वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड कैपिटल बी, ये बेटे आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं। दिस इज द इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे जो भी आपने फील्ड जितना भी अप्लाई कर रखा है बेटा, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने बेटे इमेजिन की है। अब बेटा एज पर अवर ये पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इमेजिन दैट बेटा दिस इज द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी बेटा, एंड फर्दर मोर इमेजिन दैट बेटे हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई एम शोइंग जस्ट वन एरो हेड और वन लाइन, बट अदरवाइज देर विल बी इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन लाइन इंडिकेटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन दैट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ओ वेयर वी स्पॉटेड द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी से एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड बेटा। नाउ बेटे एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फोर्स वी कैन पुट एम एज द सबस्क्रिप्ट आल्सो। इन दिस मैग्नेटिक फोर्स बेटा दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल रादर, एंड इट इज बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी विद विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड बी बेटा। अब हम बेटे जब सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर लेंगे, वी विल बी हैविंग फोर्स मैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो है इट विल बी के क्यू वी बी एंड साइन थीटा, के विल बी इक्वल टू वन डियर चिल्ड्रन, एंड वी फर्दर कैन से दैट बेटा यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप है, फॉर्मूला है, ये क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर आपको रिजल्ट आपका बेटा मिल जाता है। नाउ बेटा कई बार हमें अपने रिजल्ट की बेटे वेक्टर फॉर्म में जरूरत पड़ती है। वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन बेटे क्लियरली इंडिकेट हो जाती है कि किस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा बेटा। सो इन ऑर्डर टू गो फॉर विद द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बेटा, वी कैलकुलेट द सेम रिलेशनशिप इन द वेक्टर फॉर्म आल्सो। सो वी विल बी हैविंग दैट मैग्नेटिक फोर्स दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ वी कंसंट्रेट अपॉन दिस वेरी रिलेशनशिप बेटा, वी डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन दैट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर दीज टू वेक्टर्स आर बीइंग टेकन, देयर प्रोडक्ट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बेटा रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इंडिविजुअल टू वेक्टर्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग बेटा। नाउ इन ऑर्डर टू गो फॉर विद द डायरेक्शन बेटा,
वी मेक यूज ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल बेटा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल. डियर चिल्ड्रन इफ आई होल्ड माई राइट हैंड एंड आई कर्ल माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू देन द थंब इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और द प्रोग्रेस ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू देन मूविंग फ्रॉम दिस वेक्टर टूवर्ड्स दिस वेक्टर. आइए अप्लाई करके देखिए. ये वेलोसिटी वेक्टर है, कल आई थिंक हम बात कर भी रहे थे. लेट मी टेक द एग्जाम्पल. ये दो वेक्टर्स हैं बेटा, इमेजिन कर लीजिए. आई एम स्टिल हैविंग अनदर पीस ऑफ चॉक इस तरीके से. बच्चों ये मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. आई एम होल्डिंग माई राइट हैंड, मेरी फिंगर्स वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ मैंने राइट हैंडेड फॉर्म में कर्ल कर ली और मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में विद पॉइंट कर रहा है. दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फोर्स जो इस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है इट इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगेन रिपीट करूंगा बेटा मैं, ये दो आपके पास वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. आप वेलोसिटी वेक्टर से स्टार्ट करके अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ मोड़ लीजिए, थंब आपको आपके मैग्नेटिक फोर्स का बेटे डायरेक्शन इंडिकेट कर देगा. तो इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है डियर चिल्ड्रन स्पेशल केसेस की, कि कौन कौन सी स्पेशल सिचुएशंस बेटा हो सकती हैं बेटे यहाँ पे. पहली बात तो ये है कि अगर आपका चाइल्ड पार्टिकल रेस्ट पे है, ये मूव ही नहीं कर रहा मान लीजिए, तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई देन बेटा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चाइल्ड पार्टिकल विल आल्सो बी जीरो. तो वी विल डायरेक्टली से दैट इफ द चाइल्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट बेटा. सेकेंडली अगर आपका एंगल थीटा जीरो डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए बेटा, ये वाला एंगल मीन कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी वेक्टर है ये पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं. अगर ये पैरेलल हो जाएंगे बेटा आपका फोर्स जो है क्यू वी बी साइन जीरो इट विल बी जीरो, तो अगेन नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्सपीरियंस. अगर आप 180 ले लोगे तो भी ये जीरो ही रहेगा. क्लियर कट इंडिकेशन है वंस अगेन कि अगर आपका चाइल्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल टू द फील्ड या एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूव कर रहा है इट विल वंस अगेन नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट बेटा. सो तीसरी बात हमारे पास आ जाती है, एंगल थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाए, तो डियर स्टूडेंट्स साइन 90 हमारा यूनिटी होता है. आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल बी क्यू वी बी, आपका चार्ज पार्टिकल बेटे जो है इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट बेटा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली है यहाँ पे बेटे रिगार्डिंग दिस मैग्नेटिक फोर्स. आप मैग्नेटिक फोर्स को जरा ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फोर्स ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही. ये हम नहीं कहते हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है या हमारा ये बेटे देखो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहता है. अगर मैं फिर से पुत्र एक बार देखूं, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है मान लीजिए, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स था. बड़े ही ध्यान से सोचेंगे अगर आप, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज ओरिएंटेड इन ए डायरेक्शन नॉट इन विच द पार्टिकल इज मूविंग बट परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन. अगर हम वर्क डन की बात करें, किसका वर्क डन, आपके मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने में कितना वर्क किया. डियर चिल्ड्रन आपका मैग्नेटिक फोर्स इधर है लेकिन चाइल्ड पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर हो गए. वर्क डन आपका होता है एफ एस कॉस थीटा,
W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बेटे कोई भी वर्क नहीं कर रही है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रही है तो इट विल नॉट एट ऑल एक्सेलरेट योर चार्ज पार्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए यूज होगी। मैं थोड़ा और ऐड करूंगा पुत्र इसमें, अब ये तो चलिए हमने सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात की है, इमेजिन द सिचुएशन दैट व्हेन अवर चार्ज पार्टिकल इज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ, दैट इज लॉरेंट्स फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। बेटा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मैं, इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये आपके पास एक बेटा लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है इन दिस वे, और इसको मैं कैपिटल ई वेक्टर बेटा बोल देता हूं। अब डियर चिल्ड्रन यहाँ पे इन प्लेट्स के बीच में जो रीजन है ये मैंने छोटे छोटे क्रॉस साइंस डाल दिए, क्रॉस साइंस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड बेटा डायरेक्टेड इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर बेटे अगेन एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों को जब आप कंबाइन कर लोगे आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट फोर्स जो बनेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का बेटे सम हो जाएगा। बच्चों मैं ब्रीफली बात करूंगा एक बार फिर से, आपको याद होगा बिगनिंग में पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात की थी, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपने उस टाइम पे कहा था लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट समथिंग लाइक दिस आपने डेफिनेशन लिखी थी, और डियर चिल्ड्रन लूजली स्पीकिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट भी लिखा जा सकता है, इसको इधर शिफ्ट करिए इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई के बराबर। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे मैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू इंटू ई लिखूंगा, और मैग्नेटिक फोर्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स दैट वॉज क्यू इंटू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। मैं बेटे देखिए राइट साइड पे मेरे पास Q दोनों में ही कॉमन है, मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, दिस इज द नेट फोर्स, Q मैंने कॉमन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, एंड दिस इज V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगेन बड़े ध्यान से देखिएगा इस रिलेशनशिप को पुत्र, इसमें दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही है आपके चार्ज पार्टिकल पे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से फोर्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। नाउ एज सच हमने कहा था बेटा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, बिकॉज उसका वर्क डन ही नहीं है, वो वर्क ही नहीं कर रही, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बड़े अगेन ध्यान से देखिएगा जो डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वही फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा है, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट या मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं और डी एक्सेलरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। सो अगेन स्पीकिंग बेटा आपके ये जो दोनों फील्ड्स लगे हुए हैं इन फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करने का काम करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन बदलने का काम करेगा। सो इन दिस वे बेटा हम अपने ये नेट फोर्स को बेटे एनालाइज करके इसके बारे में बेटा बात कर सकते हैं बेटा।
यहां पे आप जरूर लिख लीजिएगा बेटा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये बेटे डायरेक्शन को कंट्रोल करेगी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बेटे खाली एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगी आपके चार्ज पार्टिकल को। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर डियर चिल्ड्रन, आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट कि सारे स्टूडेंट्स को उत्तर क्लियर है। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, गुंजोत, शुभी, यस सर, बेटा सारा समझ आ गया पुत्र ठीक से? हाँ जी। राधिका, राधिका, यस सर, बेटे सारा समझ आ गया पुत्र? हाँ जी सर। चलें बेटे आगे फिर? यस सर। ओके डियर चिल्ड्रन, इसके बाद बेटे मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड है, दैट इज द डिवाइस कॉल्ड बेटे वेलोसिटी सिलेक्टर। एक दो बार सीबीएसई ने पूछा भी गया है इसके बारे में। आइए बेटे कंसंट्रेट करें, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज है और हमारे किस काम का है, और वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, क्या ये सचमुच वेलोसिटीज को सिलेक्ट करता है या कोई और काम करता है। सो लेट अस है बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर। बेटा बेटे डियर चिल्ड्रन, पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल्स का बीम है, बीम का मतलब है 10 12 20 25 चार्ज पार्टिकल आपके पास हैं। आपने उन चार्ज पार्टिकल्स को अलग अलग वेलोसिटीज असाइन की हुई है, कोई v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई v2, कोई v3, कोई vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपको v3 या कोई खास वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है, बाकी आपको नहीं चाहिए। रिपीट करूंगा बेटा, आपके पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से आ रहे हैं, आपको उनमें से एक खास वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तब आपके पास वेलोसिटी सिलेक्टर नाम का डिवाइस बेटा काम आएगा। आइए इसका बेसिक सेटअप देखें बेटा। ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक चार्ज प्लेट है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, और ये आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इट विल मीन दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस वे में एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन द प्लेट्स का, और आपने यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैनेज कर रखा है। ये डिफरेंट कलर से मैंने क्रॉस साइंस बना दिए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इस रीजन ऑफ द स्पेस में अप्लाइड है या पड़ा हुआ है। और आपने यहाँ पे आगे एक शील्ड या स्क्रीन लगा रखा है, और इस स्क्रीन में एक आपने फाइन होल रखा हुआ है इस तरीके से बेटा। अब बेटे आपके पास एक बीम, चार्ज पार्टिकल्स का बीम जिसके पास अलग अलग वेलोसिटीज हैं, आपने ऐसे इंजेक्ट कर दिया दिस वे बेटा, और इमेजिन कर लीजिए ये वाला पार्टिकल आप जो देख रहे हो, ये वी वेलोसिटी से आपका पार्टिकल इस होल की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है। बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास बेटे आ जाएगा क्यू इंटू ई के बराबर, ये अलोंग विद द डायरेक्शन, और बेटा ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, जैसे हम अभी अभी बात कर ही रहे थे। एक बार फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल आपका उस तरफ मूव कर रहा है, राइट हैंडेड थंब रूल अगर अप्लाई करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
एंड ये फील्ड इनवर्ड है, आप मेरे थंब को देख रहे हो, ये अपवर्ड पॉइंट कर रहा है. इट विल मीन दैट बेटा अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स उत्तरजी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डाउनवर्ड है, देन डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स आपका एफ एम अपवर्ड एक्ट कर रहा है. नाउ मैग्नेटिक फोर्स आपका क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें. अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए एफ एम, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हूं मैं, इट विल बी क्यू इंटू वी इंटू बी. परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 विल बी यूनिटी. अब आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बराबर कर दिया या ऐसे एडजस्ट कर दिया कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बराबर एक्ट कर रही है, डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कर जाएंगी, नेट फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी नहीं लगेगा. अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गए, क्यू इंटू ई क्यू वी बी के बराबर हो गया, क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी ई अपॉन बी. ये अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस रेशो के बराबर तो वो पार्टिकल यहां से अनडिविएटेड चला जाएगा, मतलब उस पार्टिकल के ऊपर कोई भी नेट फोर्स उत्तर एक्ट नहीं करा. अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इससे अलग होगी उसके ऊपर या तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर जाएगा या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर जाएगा, वो पार्टिकल आपका थोड़ा बहुत ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो इस फाइन स्लिट में से पास करके नहीं जाएगा और आपका वो पार्टिकल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज द डिवाइस कॉल्ड बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर. अगर मैं एक और पॉइंट बोलूं बच्चों इसके रिगार्डिंग, हमें यहाँ पे ये जरूर कहना चाहिए कि हमने ये क्रॉस फील्ड लगाए हुए हैं. एक वर्ड यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स में, क्रॉस्ड फील्ड्स. इसका उत्तर मीनिंग ये है कि आपने जो दोनों फील्ड लगाए हुए हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये बेटे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाए हुए हैं. जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे, वी विल से दैट कि वो फील्ड हमारे क्रॉस्ड फील्ड्स हैं बेटा. सो इन द केस ऑफ इट इज वेलोसिटी सिलेक्टर, डियर चिल्ड्रन ब्रीफली बोलूंगा मैं, आपने दो क्रॉस्ड फील्ड चूज किए, उनकी एडजस्टमेंट की, एक बीम चार्ज पार्टिकल्स का लिया, जो वेलोसिटी आपको चाहिए उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली ये सारा आपने एडजस्टमेंट कर लिया. अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कोई और होगी इस रेशो के बिना, वो पार्टिकल आपका इस फाइन स्लिट में से पास नहीं कर पाएगा और आप वहां पे कह दोगे कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर वे में किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक या नेट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है और हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा. सो दिस वाज बिट समथिंग रिगार्डिंग वेलोसिटी सिलेक्टर. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इश्पुनीत. हाँ जी सर. बेटा सारा समझ आ गया? हाँ जी सर, आगे समझ. अंकिता, पावन. यस सर. बेटे सारा समझ आ रहा है पुत्र? यस सर. कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही है? नो. ओके बेटे. और डियर स्टूडेंट्स सुशांत कुछ कहना चाहता है, बोलिए पुत्र जी. आप अनम्यूटेड हो, मैंने म्यूट किया ही नहीं है. सर वो जैसे आपने बैलेंस किया ना, वो एक बार बता दो मेरे को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. कोई बात नहीं बेटे, दोबारा समझो एक बार, नो प्रॉब्लम. बैलेंस में बेटे मैं ये चीज कह रहा था कि देखो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नीचे को एक्ट कर रहा है, मान लीजिए नीचे एक्ट कर रहा है, वैसे तो वो नीचे को एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऊपर को एक्ट कर रहा है, एक फोर्स नीचे है एक फोर्स ऊपर है. अगर ये दोनों फोर्सेस बेटे एक दूसरे को बैलेंस कर लें, बैलेंस कब करेंगी, जब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के बराबर हो जाएगा बेटा, और हमने वो बराबर ही किया है.
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, इनको दोनों को बेटे इक्वेट कर दिया और अब आपके पास वेलोसिटी जो है वो बेटा इस रेशियो में आ जाती है। अगर आपकी वेलोसिटी ये पार्टिकल के पास इतनी है तो वो आगे निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अनडिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। और अगर कोई पार्टिकल इसके बिना कोई भी और वेलोसिटी पोजेस करेगा तो दैट इज श्योरली बीइंग डिफ्लेक्टेड, और अगर डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो फिर आपका अपने आप ही स्प्रे आउट हो गया बेटा। सुशांत बेटे एम आई क्लियर डियर चिल्ड्रन नाउ? यस सर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में फिर चली जाएगा वो सिर्फ, बिल्कुल। आप देखो बेटा फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, आपके पास 10, 20, 100 पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, एक की वेलोसिटी इतनी है जितनी हमें चाहिए, बाकियों की वेलोसिटी उतनी नहीं है, लेकिन आ सारे ही ऐसे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उनमें से कई पार्टिकल्स यहाँ से आगे ना निकल जाएं, राइट। अब क्या होगा, जो इस वेलोसिटी से अलग वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल है वो थोड़ा बहुत अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उस केस में आपको आपकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल है वो मिल जाएगा इन द एंड बेटा, राइट पुत्र? सर ये क्रॉस्ड फील्ड्स क्या है? हाँ जी बेटे। सर क्रॉस्ड फील्ड्स बताना। आवाज नहीं बेटे आपकी मुझे सुनाई दी, कोई मतलब होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में, जैसे यही है मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लगा रखा है, तो ये देखिए मैं थोड़ा आपको चौक के पीस की हेल्प के साथ बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है इनवर्ड बेटा, ये देख लीजिए ऐसे, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा होगा। सो इन दिस वे बेटा आप उस रीजन में, जिस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, उसको आप परपेंडिकुलर फील्ड्स को बेटे क्रॉस फील्ड्स बोल देते हैं। ठीक हो गई बात बेटे अब? Yes, sir. चलें जी आगे फिर बेटा। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा प्रेजेंटली तो हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब हम कंडक्टर की बात करेंगे। आइए देखें कैसे कर सकते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, डिटेल फिर कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात है नहीं। हेडिंग हमारा है फोर्स, रादर मैग्नेटिक फोर्स लिख लेना चाहिए, एक्टिंग ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आप एक बेटे कंडक्टर इमेजिन कर लेते हैं, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे। आइए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं मैं बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपके एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हुआ करते हैं, ओरिजिन एक्स एक्सिस, लेट इट बी वाई एक्सिस, लेट इट बी जेड एक्सिस। अब आपने वाई एक्सिस के अलोंग कंडक्टर प्लेस किया, ये कोई वायर प्लेस कर दिया है आपने ये, और आपका जो बेटे वायर है इमेजिन कर लीजिए आई करंट कैरी कर रहा है, और आई करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आपके कंडक्टर ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना कैपिटल ए मेंटेन किया हुआ है, वायर है मे बी,
और स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे इसमें। आप इसके ऊपर छोटा सा एक एलिमेंट इमेजिन कर लीजिए जिसका लेंथ डी एल है। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स करेगा एक्ट मैग्नेटिक फोर्स, आपने अभी अभी कहा था एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, इट विल बी माइनस क्यू, और बी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी के बराबर आपने इमेजिन कर रखा है। और आप कह सकते हो आपका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, इमेजिन कर लेते हैं हम। और ये आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। आपके पास छोटा सा एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट में n इंटू ए इंटू डी एल इसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो छोटा सा एलिमेंट थोड़ी फोर्स दैट विल बी इक्वल टू डी एफ एंड दैट इज माइनस, सॉरी माइनस ई लिखना था यहाँ पे मैंने, n e a d l ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पुत्र, इसको मैं डियर चिल्ड्रन डी एल अपॉन डी टी लिख सकता हूँ बेटा, सिर्फ समझा रहा हूँ, बाद में डिटेल करवाऊंगा आपको मैं। डी टी को मैंने बाहर निकाल लिया, डी एल बाई डी टी, ये डी एल बाई डी टी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये माइनस एम ई ए बी डी, ये कहीं देखा देखा लग रहा होगा आपको, डी एल क्रॉस बी आ जाएगा, ये आपका आई है। सो डी एफ विल बी इक्वल टू माइनस आई, सॉरी प्लस ही हो जाएगा, आई माइनस एम ई ए डी बी डी होता है, आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रल आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट विल बी आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट विल बी बी आई एल साइन थीटा बेटा। तो ये बेटा थोड़ा सा ब्रीफली था, डिटेल में कल बात करेंगे, कल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, तब तक के लिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यस बेटा, एनी स्टूडेंट फ्रॉम योर साइड? किसी भी बच्चे को कोई बेटे बात है? देखो नाइन्थ वाले बच्चे भी बीच में आने लग गए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, आई थिंक बच्चे आ रहे हैं। थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल बेटा। आपको कोई भी पॉइंट बेटे हो नोट कर लीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।